So in yesterday class, we were deriving the condition for the constructive and destructive interference mathematical treatment. And up to this stage, we have assumed that a naught 1 plus cos phi is equal to r cos of theta and a naught sin phi is equal to r sin theta. A naught sin phi is equal to r sin of theta. देखिए फंक्शन दोनों तरफ से है, sin sin cos cos, बस phi और theta का फर्क है ना. After assuming this, what we obtain is y is equal to r sin theta. नहीं, फर्स्ट जब हम इसको r sin omega t cos theta plus r cos omega t sin theta, यही आया था ना. हाँ, तो r sin omega t cos theta plus r cos omega t sin theta, ठीक है. That will be equation 1, 2 and this is your equation 3. Squaring first and second and adding. Squaring first and second and adding. ये हो जाएगा r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to a naught square 1 plus cos phi whole square plus a naught square sin square phi, squaring and adding both side. Now taking this r square as a common, we get r square is equal to cos square theta plus sin square theta. कितना होता है cos square theta plus sin square theta? First identity of trigonometry 1. और ये हो जाएगा, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, आप इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सो ए स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर इज cos स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos ऑफ 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5. इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस बिकम्स r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2 a नॉट स्क्वायर cos 5 प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर 5. तो a स्क्वायर sin स्क्वायर 5 a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 का कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा. तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 a स्क्वायर. हाँ, a नॉट स्क्वायर है. सो 2 a नॉट स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा, प्लस 2 a नॉट स्क्वायर cos 5. r इज इक्वल टू, अगर हम 2 a नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें क्या बचेगा, 1 प्लस cos 5 एंड 1 प्लस cos a इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 होता है. 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 हो गया है. तो अब ये कितना हो गया, 282 4 a नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, ये हमारा r का वैल्यू हो गया. लेट इट बी इक्वेशन 4. अब जो इक्वेशन हम थर्ड लिए थे r रखने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कॉमन इक्वेशन बना था r sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये इक्वेशन बना था फाइनल इक्वेशन. r का वैल्यू रखने के बाद कुल
उसमें आर का वैल्यू रख दीजिए। अब इस इक्वेशन में आर का वैल्यू रख देंगे आप, तो रिजल्टेंट वेव वाई इज इक्वल टू 4a0 square कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 डॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव विद द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी हार्मोनिक वेव वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। कंपेयर करिए, ए क्या है यहां एम्पलीट्यूड, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ये हो गया। नाउ कंपेयरिंग विद द, यहां पर लिख सकते हैं कंपेयरिंग विद इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वी गेट व्हाट, वी गेट a इज इक्वल टू a, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, वी गेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू, रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, रिजल्टेंट वेव, तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a को इसके कंपेयर करने पर क्या मिला हमारा 4a0 square cos square pi by 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड। क्या एक चीज हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या हम लोग जब यहाँ पे कॉमन लिए थे, आज वाले में लिए थे, जब हम लोग कॉमन लिए थे स्क्वायरिंग एंड एडिंग के बाद, तो ये स्क्वायर आएगा ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना, तो ये स्क्वायर आएगा, हम आर लेके चल रहे हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए, स्क्वायर जब लेके चलेंगे तो यहाँ जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a0 square कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 आएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a0 cos pi by 2, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर उठेगा दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, स्क्वायर का ए हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिए इसको। तो कंपेयरिंग विद द इक्वेशन एज के टू से द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज, एम्पलीट्यूड कितना हो गया हमारा 2a0 cos ऑफ pi by 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ द टू कोहेरेंट वेव एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो दो इंटरफेयर वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, इन इंटरफेरेंस के कारण जो तीसरा जो वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड ये। अब इस एम्पलीट्यूड के कारण यहां पर Either it will be dark fringe or it will be bright fringe, ठीक है, तो यहां पर हम कंसिडर लेके चलेंगे, यहां से अब इसको बाइफर्केट करके दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। इससे पहले हम रिजल्टेंट निकाल लें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कभी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, ये हमेशा याद रखिए, इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट टी आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर, what is amplitude here, amplitude is 2a0 cos pi by 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा 4a0 square cos square pi by 2, ये हमारा इंटेंसिटी हो गया।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आईआर से ले लीजिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 8.2 अब यहां पर नोट करिए, इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी, इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पी ड्यू टू वन स्लिट। अब हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिल रहा है ये उस कंडीशन में मिल रहा है जिसमें हम दोनों स्लिट से हम वेव ले रहे हैं, ठीक है। तब वो जब इंटरफेयर करने के बाद पॉइंट पी पे जो वेव जनरेट होगा उसका इंटेंसिटी ये होगा। अब हम पीछे से ले रहे हैं कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि यदि आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पी ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी एक स्लिट को यदि हम बंद कर दें, हमने दो स्लिट लिया था ना मेन सोर्स के बाद S1 और S2, अगर हम S2 ले लें या S1 ले लें और किसी एक को हम बंद कर दें तो उसके कारण P पे कितना इंटेंसिटी होगा वही हम एज्यूम कर रहे हैं I not। तो लिखे इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पी ड्यू टू सिंगल स्लिट देन आई नॉट विल बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है कि इंटेंसिटी जो होगा स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा, ये एकदम फिक्स मतलब है, इसी को लेके हम चल रहे हैं। तो आई नॉट अलग लेते हैं तो एम्पलीट्यूड ए नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहां पर आई आर और आई नॉट का हम कंपेयर करेंगे तो रेशियो ले लीजिए कंपेरिजन के लिए, टेकिंग द रेशियो ऑफ आई नॉट अपॉन आई आई आर अपॉन आई नॉट व्हाट वी गेट इज वी गेट एज 4 cos² π/2 द रेशियो विल बी 4 cos² π/2 So the resultant intensity IR in terms of as compared to the I naught will be IR will be equal to I naught यहाँ आ जाएगा 4 I naught A naught square cos square pi by 2 this will be the resultant intensity in comparison with the single slit। और पहले जो आई आर निकाला था वो क्या है ड्यू टू द डबल स्लिट, द सिंगल स्लिट के कारण हम ये इंटेंसिटी कंपेयर करके हम निकाल लिए। इसके नीचे लिखे द अबव एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर एट पी ड्यू टू light from the both the source both the source S1 and S2 तो ये एक और हमने IR निकाला था वो भी हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, लेकिन ये जो निकाले हैं इन टर्म इन कंपेरिजन विद द सिंगल सोर्स। नाउ फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट देखिए फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट दैट आई आर इज क्लियर दैट द आई आर इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 4 कांस्टेंट हो गया, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया हमारा, और आई नॉट द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट वो भी कांस्टेंट हो गया, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
phi के ऊपर में, that is phase difference. So IR is dependent on the phase difference phi between the two wave, between the two wave reaching at point P. Reaching at point P. अब आप लोग को ये इतना सारा जो डेरिवेशन हम लोग इतना लॉन्ग डेरिवेशन जो किए हैं इसमें आई क्या निकालेगा, जरा आप लोग सोच के देखिए हम लोग क्या निकालना, हमारा एन क्या था निकालने का, इंटेंसिटी रीचिंग एट पॉइंट पी, द रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी. क्यों हम इंटेंसिटी पे ही इंटरेस्टेड थे, हम इंटेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी से ही पता चलेगा कि उस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज हो रहा है कि डार्क फ्रिंज हो रहा है. जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उतना ही ब्राइट चमकीली लाइट होगी, और जितना कम इंटेंसिटी होगा उतना ही लाइट फेडेड रहेगा यानी कि डार्क रहेगा. तो इसीलिए हम आई आर निकाल रहे हैं, दैट इंटेंसिटी विल टेल यू वेदर द वेव रीचिंग एट पॉइंट पी विल हैव ए ब्राइट फ्रिंज और डार्क. अब कंडीशन होगी ब्राइट और डार्क कौन सा होगा, हम तो इंटेंसिटी निकाल ली, अब हमको इसी से हमको दोनों कंडीशन लगाकर ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन डिराइव करना है और डार्क फ्रिंज के लिए. सो देखिए फर्स्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस कंडीशन फॉर यू कैन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. चाहे आप ब्राइट कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज कहें चाहे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहें, बात एक ही है ना. जब हम हमने ये हमको निकालना ही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको कंडीशन निकालना है कि क्या होगा फेज डिफरेंस, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या ब्राइट फ्रिंज होगा. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप क्या अज्यूम करते हैं कि वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, डार्क होगा कि ब्राइट होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा हमारा ब्राइट होगा. ब्राइट होने का सीधा सीधा संपर्क उसका इंटेंसिटी है, यानी कि इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस इक्वेशन में कितना हो सकता है, जरा इक्वेशन पढ़कर बताइए, आप लोग बहुत सारे इक्वेशन पढ़ते हैं. व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओनली दिस मल्ली दिस मच, यानी कि वेरी किसके ऊपर कर रहा है, फेज के ऊपर कर रहा है. तो अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तभी मैक्सिमम होगा ना. और जब मैक्सिमम होगा तो कितना हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज फॉर कनेक्ट. अब ये इफ यहां पे नीचे लिखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा. व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स, व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स एट ए पॉइंट पी, हम ये मानने चल रहे हैं कि पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यदि उस पर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले रहे हैं यानी कि ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं तो डेफिनेटली द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. कॉमा लिखे, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट,
विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ये कैंसिल हो गया था ना, आई आर अपन आई नॉट लिए थे तो ए नॉट कैंसिल हो गया था ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 4 आई नॉट। अब लिखिए ना मैक्सिमम इंटेंसिटी will occur if cos square phi by 2 is equal to 1। cos square phi by 2 is equal to 1, so cos phi by 2 कितना होगा, cos phi by 2 स्क्वायर घटा गया तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 1, दैट विल बी प्लस माइनस 1, माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का भी स्क्वायर 1 होगा। अब जब cos phi by 2 प्लस माइनस 1, इसका मतलब phi by 2 एंगल कितना होगा कि यहां पे वैल्यू 1 होगा, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो cos 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखिए यहीं पे डेरिवेशन निकालते वक्त यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे निकालना वो हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए cos phi by 2 is equal to say plus 1, हम मैंने एक लेके चले हैं cos phi by 2 is equal to plus 1 देखिए, तो ये plus 1 कब होगा, जब ये 0 होगा, होगा ना, तो इट मीन्स दैट व्हेन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्या और भी ऐसी कंडीशन है जो कि उसमें 0 हो सकता है, माइनस 1 कब होगा, यहां पे माइनस 1 कब होगा, 180 डिग्री में, करेक्ट, तो 180 डिग्री के रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई है ना। तो अब यहां पर हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू इसी तरह से ले लीजिए, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 पाई, अब इस तरह से इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, 2 पाई 3 पाई, देखिए अब डिफरेंस कितना का, यहां से यहां तक कितना है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 टू 360, 360 टू 270, तो इस तरह से पाई बाई जोड़ते जाइए, लाइक दैट दिस विल बी द वैल्यू। लेकिन यहां पर 5 बाई 2 है तो 5 कितना होगा, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 इंटू 4 4 पाई 6 पाई, दिस कैन बी रिटन एज ए फॉर्म n इज इक्वल टू 2 पाई, लिख सकते हैं पाई को, वेयर वेयर n इज इक्वल टू 0 टू 1 2 3 4 लाइक दैट, है ना। तो ये कंडीशन हो गया, जब पाई का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रहेगा तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस Hence, for constructive interference, the phase difference phi between the two waves reaching at point P will be either 0, एक 0 हम स्पेसिफिक केस है, हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, क्या बताया था कोहेरेंस सोर्स का,
कोरेंस फोर्स का ये डिफरेंस बताता ना कि द टू हैविंग आइदर जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और यहां पर भी देखिए आइदर जीरो या कांस्टेंट दोनों के बीच में किसी भी के बीच में निकाल लीजिए कांस्टेंट है 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई का कांस्टेंट है ठीक। सो आइदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी विल डिस्कस इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दैट मस्ट फॉर टुडे।